कौन है नुपुर शर्मा जिन पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने का आरोप? नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। 2015 में वह पहली बार चर्चा में तब आई थी जब भाजपा ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। इन दिनों वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। शुक्रवार 27 मई को नुपुर एक नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल की डिबेट में पहुंची। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया, जिसे कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पैगंबर के खिलाफ अपमानित भाषा इस्तेमाल करने पर शर्मा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी सवाल पर कानपुर में हिंसा हुई है, हिंसा के पीछे पुलिस और राजनीतिक नेताओं का हाथ हो सकता है। कानपुर हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पुलिस और शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।